कौमी पास के नाजरीन खुश आमदीद। फिर वही कुछ हो गया जो हमने आपको 3-4 दिन पहले ये खबरें आपको दे रहे थे। आपको बता दिया था कि सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वजीर आला पंजाब बनेंगी। और फिर रात को ये तमाम पहले की तरह जैसे तहरीके अदम एतमाद लेके आए थे, रात को 12 बजे के बाद बिल्कुल वैसे ही रातों रात ये फैसला हुआ। इनको बिठाया गया, खिचड़ी पक रही थी, एक बंदर बांट हो रही थी और इनको मामला थे। इन्होंने, मैंने आपको बताया था कि ये दुबई में जब इनकी मीटिंग्स हुई थी ना, उस वक्त देख लें, उस वक्त भी मौलाना फजलुर्रहमान उस दुबई वाली मीटिंग में भी शामिल नहीं था। अब भी देखें जो मौलाना फजलुर्रहमान है वो भी अब इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहा। पिछली 3-4 मीटिंग्स हुई हैं लेकिन मौलाना फजलुर्रहमान का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। ये बात आपने ना पॉइंट अपने जहन में रखना है कि जो दुबई में, जब लंदन से नवाज शरीफ दुबई गए थे, इधर से जरदारी जो था वो भी दुबई गया, ये प्लान वहाँ सारा डिसाइड हुआ है। ये जो बंदर बांट थी, इनको बता दिया गया था कि ये मामला होने हैं और इस तरह से आपने हुकूमत बनानी है। वो अलहदा बात है कि पीपल्स पार्टी को इतनी सीटें दी गई और मिली, मतलब दी गई का मतलब दी मिली उन्हें, इसी तरह नवाज शरीफ को इतनी सीटें मिली। तो मतलब अब ये इन्होंने हुकूमत तो अपनी डिसाइड कर ली है कि इन्होंने वो ये सब कुछ इनका प्लान था। लेकिन आज जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ उससे कहीं बड़ी है, वो ये है कि मरियम नवाज जो हैं वो इस वक्त जानशीन बन चुकी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। मतलब नवाज शरीफ का मुतबादिल जो है वो शहबाज शरीफ नहीं, बल्कि नवाज शरीफ का मुतबादिल जो है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ हैं। और मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ वो ये है, ये एक टेस्ट केस है, एक टेस्ट कैप मरियम नवाज को पहना दिया गया है। वो टेस्ट कैप ये था कि उन्हें पहले नंबर पे उसको वजीर आला पंजाब बनाया गया है। ये इनके लिए टेस्ट केस ऐसे है कि अब वो देखेंगे, मतलब देखेंगे से मुराद ये है कि वो मतलब अब चेक करेंगे कि क्या ये वजारत आला पंजाब जो है ये अच्छे तरीके से चला सकती हैं या नहीं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मरियम नवाज को तो ये प्रमोशन मिल रही है, मरियम नवाज तो ऐसे सेटिंग अपनी कर रही है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को बना रही हैं, बढ़ा रही हैं, तो क्या दूसरी तरफ जैसे नून लीग अपनी वोट बैंक बढ़ा रहा है, तो क्या दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो का वोट बैंक भी बढ़ाया जा रहा है? क्या इन दोनों जमातों में वजन डाला जा रहा है? बात को जरा समझें, इनकी अगली तैयारी है, अगली इनकी जो खेप है वो तैयार हो रही है वजारत उज़्मा के लिए। क्या मतलब वजीर आला पंजाब इधर से बना दिया? अब सवाल यहाँ पे दूसरे नंबर पे मेरे जहन में ये आ रहा है कि अगर मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बन जाती हैं, जो कि बन चुकी हैं, वो अपनी प्रमोशन होगी उनकी, मतलब हर मीडिया चैनल उनको प्रमोट कर रहा होगा, मतलब खबरें चल रही होंगी मरियम नवाज ने ये एक्शन ले लिया, मरियम नवाज अगर उन्होंने लिया और लेंगी भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगली बारी इन्होंने वजीर आजम की जगह, शहबाज शरीफ की जगह वजीर आजम मरियम नवाज शरीफ को रखना है। अगर इधर से प्रमोशन ये हो रही है तो क्या दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है, क्या वो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तैयार कर रहे हैं? अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तैयार करना है तो उनके लिए जरूरी यह है कि बिलावल भुट्टो को भी इस टर्म में ऐसा ओहदा दिया जाए कि वो हर दूसरे तीसरे बंदे के सामने हो, जिस तरह के वजीर खारजा बनाया था बिलावल को, तो थोड़ी सी उसको प्रमोशन मिली, उसका मतलब हर दूसरे तीसरे बंदे मीडिया के ऊपर खबरें चलती थी, मतलब इधर जा रहा है उधर जा रहा है और ये सारे मामला तो होते थे। इसी तरह अब मरियम नवाज को ये होता मिल गया है वजारत आला पंजाब का, उधर क्या बिलावल भुट्टो को भी कोई ऐसी ओहदा मिलेगा इस अब की बार, या लेंगे वो? क्योंकि हुकूमतें तो बन रही हैं, पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि हमने अपनी पंजाब में जो है वो गवर्नर लगाना है, पीपल्स यानी उधर बलोचिस्तान में भी सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी का वो दे रहे हैं कि जी आप उधर अपने वजीर आला लगा लें, सिंध में भी वहाँ पे वजीर आला होगा। मुझे कहीं ऐसे लग रहा है कि अब की बार अगर इधर मरियम नवाज बन रही है ना वजीर आला पंजाब, तो सिंध में मुझे अब की बार ऐसे लग रहा है कि वजीर आला सिंध बिलावल भुट्टो को बनाया जाएगा। वो इसलिए कि एक प्रमोशन करेंगे, वो प्रमोशन ही होती है ना भाई, वो अगर बन जाएगा वजीर, वो इधर फैसले करेगा, उधर कहेगा वो फलाना तुमने ये कर दिया, फलाने को आईजी को चेंज कर दिया, फलाने को चेंज कर दिया, मतलब प्रमोशन ही होती है ना, जिस तरह मोहसिन नकवी की प्रमोशन होगी, वो वजीर आला बना और उसकी बहजा हो रही है कि ये वजीर आला था फलाना, उसने ये कर दिया, फलाना एक्शन लिया, तो ये एक स्टेप होते हैं। अब इन स्टेप्स को लेते हुए इन दोनों को ये आगे प्रमोट करने जा रहे हैं, कैसे? अगले टर्म के लिए वजीर आजम बनाने के लिए, क्योंकि इमरान खान जो है ना, इमरान खान का मसले मसाइल उनके लिए ये हैं कि इमरान खान, मैंने आपको पहले भी बताया कि असूल और जवाबे से वो पीछे नहीं हट रहा,
उसको कहा जा रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैंने अपने असूलों के पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और शायद इन्हीं असूलों की इसी वजह से शायद उसको अब तक ये सजाएं मिल रही हैं और सारे मामलात हैं। तो अब वो जो करने वाले, पाकिस्तान को चलाने वाले और पाकिस्तान को आगे लेके चलने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यार हम सब मिल के काम करें, जिसमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं और सबको मिला के मतलब मामलात किए जाते हैं। तो उसमें जो है ना इमरान खान जो है ना वो एक शेयरिंग पावर जो है ना वो नहीं करना चाहता। तो अब जो है वो पावर शेयरिंग फार्मूला था जिसके ऊपर जरदारी भी माने हैं, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ भी माने हुए थे, नवाज शरीफ भी माने हुए हैं, एक पावर शेयरिंग फार्मूला था उसके ऊपर सब रेडी हुए हैं और उन्होंने हुकूमत बना दी है। अब पावर शेयरिंग फार्मूला दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान जो है ना उसके ऊपर वो नहीं तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि नहीं, जिसकी मेजॉरिटी है, वन मैन आर्मी से मुराद यह है कि वो कहते हैं कि अगर एक आदमी है ना वज़ीर आज़म है, तो क्योंकि वो सुप्रीम लीडर भी होता है, तो वो कहते हैं कि भाई वो ही जो है ना सारे मामला देखेगा। तो ये इस वक्त सारी मामला तो हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मैंने जो आपको बात बताई है वो ये बताई है कि इन दोनों को वजारत आला, इसको मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब आइंदा मुद्दत के, अभी तो वो बन रही है ना, मरियम नवाज को अब वज़ीर आला पंजाब बना रहे हैं। हो सकता है कि उधर जो है बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर आला सिंध बन जाए। इन दोनों का टेस्ट केस होगा कि ये अपनी अपनी पार्टी के अंदर कैसे जान डालते हैं। अगर इन दोनों ने अपनी पार्टी के अंदर जान डाल दी, अवाम के दिल जीत लिए अच्छे काम करके, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लोग नहीं, अगर इन्होंने अच्छे काम किए तो इट माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट टर्म के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन आ जाएगा नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए, और साथ में होगा आपका तहरीके इंसाफ इमरान खान। अब ये पॉपुलैरिटी अगर इन्होंने इमरान खान को डिफीट करना है तो इनको अच्छे काम करने पड़ेंगे, और अगर इन्होंने अच्छे काम कर लिए तो अगली मुद्दत के लिए जो ये तो अब चल रही है ना, इसमें इनके फैसले होंगे, वो देखना ही है कि ये फैसले कैसे होते हैं। क्या ये वही वाली बात है कि अगर आवाम के ये दिल जीत लेते हैं, 4-5-6 महीने बड़े टफ हैं, अगर ये इनमें से बाहर निकल आते हैं कहीं, तो मैंने जो आपको ब्रॉडर वे के ऊपर जाके जो एक मंजरनामा पेश किया है ना, तो इन दोनों को ये याद रखिएगा मेरी वीडियो कि वो अगले मुद्दत के लिए इन दोनों को वजीर आला, अभी तो ये बना रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मरियम तो बन गई, उधर ये बिलावल का है कि शायद वो भी बन जाएगा, तो अगली टर्म के लिए ये एक टेस्ट केस होगा। इनको भेजा जा रहा है ग्राउंड के अंदर कि जाएं और खेलें और अपना नाम बनाएं, कि जैसे शाहिद अफरीदी आया और उसने आके चौके छक्के और ये सेंचुरी फास्टेस्ट सेंचुरी की और उसका नाम बन गया, इसी तरह इनको भी ग्राउंड में भेजा गया, जाएं खेलें अपने मुताबिक खेलें और अपनी नाम बनाएं, ताकि नेक्स्ट टर्म के लिए, अगली टर्म, अगली मुद्दत के लिए, वो कभी भी हो सकती है अगर इमरान मैं आपको यहाँ पे और भी एक खबर दे देता हूँ कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो इस टाइम चल भी रहे हैं और उनके अंदर भी रिलीफ तो उसको मिल सकता है अगर वो थोड़ा सा अपना असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज करेगा। लेकिन साथ ही साथ जो ये 35 पंचर जैसे पहले थे, अब वो कह रहे हैं कि इनकी जो ये जो सारी रिगिंग हुई है, अगर इसको देखा जाए, फॉर्म 45 को देखा जाए, फॉर्म 47 को देखा जाए, इनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहे हैं, अगर वहाँ से कल को कुछ 4-6 महीने बाद इन पार्टीज की अगर प्रोग्रेस अच्छी ना हुई, तो वहाँ से जो है वो फैसले ऐसे आएंगे कि ये अपनी जो इनकी मेजॉरिटी है वो ये खो देंगे, मतलब कौन, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिनके ऊपर अभी तो इनके ये बताया जा रहा है ना कि ये जीत गए हैं, ये इन्होंने फलानी सीटें जीत ली हैं, तो कल को जब इनको साइड पे करना होगा तो करने वाले ये भी कर सकते हैं कि वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा और इमरान खान की जो छीनी हुई सीटें हैं वो उसको वापस मिल जाएंगी, और इनकी जो मेजॉरिटी है, जो इनका नंबर गेम है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, वो कम हो जाएगा, उधर तरीके इंसाफ का नंबर गेम ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उस वक्त भी हुकूमत में आ सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है इन दोनों पार्टीज़ के ऊपर कि ये क्या डिलीवर करते हैं। अगर इनकी डिलीवरी अच्छी हुई, अगर इन्होंने लोगों को अच्छा रिस्पांस दिया, महंगाई कम करने में इन्होंने कोई अच्छे फैसले किए, इन्होंने लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि ये पूरी मुद्दत कर लें, लेकिन अगर ऐसा ना कर सके तो किसी भी वक्त इनका भी पांसा पलट सकता है। अगर इमरान खान जैसे बंदे का 3 साल के अंदर अंदर पांसा पलट गया था, तो माइट बी पॉसिबल कि ये किसी भी वक्त हो सकता है, ये हो सकता है कि इनकी भी जो है वो मामलात को, तो इनकी भी हुकूमत को ख़त्म किया जा सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो ख़त्म करने का तरीका भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो जो रिगिंग के जो केसेस इस वक्त अदालतों के अंदर लग रहे हैं, अगर उनके रिजल्ट किसी भी वक्त
3 महीने बाद 4 महीने बाद अगर नतीजे तब्दील करने हुए तो करने वाले इमरान खान को पढ़ ले आएंगे और इनको धड़ाम से नीचे फेंक देंगे। तो ये कुछ मामला थे, लेकिन मैंने आपको जो 2-3 खबरें दी हैं वो यही थी कि इमरान खान के मुकाबले में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को आइंदा मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए तैयार किया जा रहा है, इन दोनों को तैयार किया जा रहा है, इन दोनों के लिए कंपटीशन है, एक टेस्ट केस है, देखें ये इसमें पास होते हैं या नहीं। मरियम नवाज और बिलावल का मुकाबला है अब इमरान खान के साथ, इनको टाइम दिया जाएगा कि अगर आपने डिलीवर कर लिया तो अगली मुद्दत में आप दोनों का कंपटीशन हो जाएगा, और इमरान खान तो साथ है ही है, वो भी इनके साथ मुकाबले में कहीं ना कहीं शामिल होगा। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।